अस्सलाम वालेकुम आदाब, वेलकम डियर लर्नर्स। डियर लर्नर्स, क्लास में जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो आइए अब हम पढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसमें है क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें है पार्ट नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर नीचे दी गई है प्रॉब्लम्स, हमें उनके लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने हैं, उसके बाद हमें उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, तो वो इस तरह कह रही है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर है, अगर हम उनको डिफरेंस करेंगे तो वो आती है 26। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर 3 गुना है दूसरे नंबर से। फाइंड देम, हमें ये दो नंबर्स निकालने। तो आइए, तो यहां पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, हम मान लेंगे लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। सपोज हमने किया, हमारे पास दो नंबर है एक्स एंड वाई, ठीक है। देखिए उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दैट मीन्स गिवन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, अगर हम इस तरह करेंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 26, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी अगर हम इनको आपस में डिफरेंस करेंगे वो 26 आता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। और साथ ही कह रहा है क्वेश्चन, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, एक नंबर 3 गुना दूसरे नंबर से है। यहां पर हम कहेंगे एंड से एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स वाई, ये बन गए हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि यहां तक क्वेश्चन ही कह रहा है। तो यहां पर फॉर्म हो चुकी है अभी तक इसके लीनियर इक्वेशंस। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर हम इस पर गौर फिक्र करेंगे, यहां पर जो इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो ये आ गई एक्स इक्वल टू 3 वाई, हम यही सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर, हम इस इक्वेशन में, यहां पर मैं लिखूंगा यूज सेकंड इन फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड फर्स्ट में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहां पर एक्स का वैल्यू हम लेंगे, वो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इंप्लाइज यहां पर एक्स है, तो वहां पर एक्स का वैल्यू है 3 वाई, 3 वाई माइनस उसके बाद है वाई इक्वल्स टू 26, विच इंप्लाइज 3 वाई माइनस वाई दैट्स 2 वाई इक्वल्स टू 26, विच इंप्लाइज यहां पर y इक्वल्स टू 26, ये 2 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 2 13 आर 26, तो y का वैल्यू हमारे पास 13 आ गया, ठीक है। अब हम इसी को इस्तेमाल करेंगे यहां पर, ताकि हमारे पास x का वैल्यू आएगा, यूज y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, विच इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू वाई, वाई के बदले में 13, यहां पर मल्टीप्लीकेशन, एक्स इक्वल्स टू 3 13 3 9 3 1 3, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास 39 आ चुका है और हमारे पास वाई का वैल्यू 13 आ चुका है। तो यही दो नंबर्स है, क्वेश्चन कह रहा था कि अगर आप इनकी डिफरेंस करेंगे, एक्स माइनस वाई करेंगे आप, तो वो बनता आपके पास 26। यहां पर हम चेक करेंगे 39 माइनस 13, माइनस करेंगे 6 2, है ना, ठीक 26। और साथ ही एक नंबर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, 13 का 3 गुना क्या है 39, ठीक है। अब हम जाएंगे आगे पार्ट नंबर सेकंड पर। तो डियर लर्नर्स, यहां पर इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर सेकंड है, ये इस तरह कह रहा है, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम।
दो एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये हमें उनको निकालना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी जो दो एंगल्स है इसमें जो एक एंगल है वो दूसरे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो हमें इन दो एंगल्स को निकालना है। तो यहाँ पर मैंने सपोज कह लिया टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर हम पहले जानेंगे ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने लिखा है सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम बनता है 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, ये दो एंगल्स होंगे उनका सम आएगा 90, उनको हम कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स दो जिनका सम बनेगा 180 डिग्री, तो हमें यहाँ पर ये काम आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन इन दो एंगल्स का सम कितना होता है 180, हम कहेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, क्योंकि हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स, ये जो बड़ा है वो ज्यादा है दूसरे एंगल से कितना 18, दैट इज वो बनेगा एक्स माइनस वाई, यानी अगर हम एक एंगल को कम करेंगे दूसरा एंगल उनकी जो डिफरेंस है वो है 18 डिग्री, है ना। क्वेश्चन यहाँ पर इसी तरह कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन तो आ गई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इनको अब हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर हम करेंगे फ्रॉम सेकंड, सेकंड में हम निकालेंगे एक वेरिएबल का वैल्यू x इक्वल्स टू 18 प्लस y, ठीक है, 18 डिग्री प्लस y। अब हम इसी को यूज करेंगे यहां पर, नाउ यूज x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे इसको, x के बदले में 18 प्लस y, 18 प्लस y, फिर अपना y है प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर y एंड y हो गया 2y इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो यहां पर है प्लस 18, इसको हम करेंगे शिफ्ट यहां माइनस 18, ठीक है। तो यहां पर y इक्वल्स टू, यहां पर इसको माइनस करेंगे 162 डिग्री, तो यहां पर 2 था वो हो जाएगा इसके साथ डिवाइड, 28 आर 16, 21 आर 2, तो y का वैल्यू हमारे पास आता है 81 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे यहां इक्वेशन नंबर सेकंड में, ठीक है, इस y को यूज y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, दैट्स x माइनस y के बदले में है 81 डिग्रीज, ठीक है, देन इक्वल्स टू 18 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर आएगा x इक्वल्स टू 18 प्लस, ये हो जाएगा प्लस उस साइड में 81 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू बनेगा 99 डिग्रीज। तो हम कहेंगे यहां पर यूं दो एंगल्स है x 99 डिग्रीज, y 81 डिग्रीज, यही दो एंगल है, अगर हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो उनका सम आएगा 180 डिग्रीज। यहां पर देखेंगे आप 99 प्लस 81, 9 1 10 0, 9 10 17 1 18, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप यहां पर करेंगे इस तरह से 99 माइनस 81, तो डिफरेंस आपको आएगी 18, ठीक है। और डियर लर्नर्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।